अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक। ऑरेंज केक को रेडी करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। मैंने इस तरह के मीडियम साइज के ऑरेंजेस ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से सेंटर में से काट कर इनमें से जूस निकालेंगे। तकरीबन एक कप के बराबर हमें जूस इस केक के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो आप उतने ऑरेंजेस ले लीजिए जिनमें से एक कप तक जूस आपको इजीली मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तकरीबन 4 ऑरेंजेस का एक कप जूस हमारे पास यहाँ पर आ गया है। मैं अब इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। सो यहाँ पर 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस हमारा रेडी है। ऑरेंज केक बनाने के लिए बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें 3 कप मैदा हमने लिया है और सेकेंड में हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। इसमें एक में 8 ग्राम है, तो एटलीस्ट ये 8 ग्राम 1 टीस्पून के लगभग होगा, यानी 14 ग्राम आपने ये ले लेना है। और वैनिला पाउडर ले लेना है आल्सो 1 टीस्पून, 1 कप ऑरेंज जूस जो हमने फ्रेश रेडी किया था, और 3 एग्स ले लिए हैं हमने। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1/2 कप, और इसके अलावा लास्ट पे हमने ली है शुगर। शुगर को मैंने इस तरह से लिया है, आइसिंग शुगर या फिर पाउडर में नहीं लेनी आपने, ना ही जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये इस तरह से बारीक शुगर है, आप देख लीजिए। आप इसी तरह शुगर ये लीजिएगा 1/3 कप, यानी कि एक कप में से 1/4 पार्ट आप लेस कर दें तो उतना आपको शुगर चाहिए। सबसे पहले एक बाउल में हमने अंडों को शामिल कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वैनिला पाउडर, जो कि वैनिला पाउडर हमने लिया था 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम होगा इसमें वैनिला पाउडर, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने शुगर। शुगर जो हमने 1/3 कप ली थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बीट करने वाली मशीन से भी इसको कर सकते हैं, अगर बेटर है कि आप उससे कीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाने के लिए इसी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हम साथ साथ अच्छे से मिक्स भी करते जाएंगे और साथ साथ अपने इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल भी करते जाएंगे। इस पॉइंट पर अब हम अपना ऑरेंज जूस इसमें शामिल कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे उतना हमारा अमेजा अच्छा तैयार होगा। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप उसके साथ बीट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको इस फॉर्म में ईजिली एकदम से मिल जाएगा। अब हम इसमें अपना मैदा शामिल करेंगे। मैदे को एकदम से सारा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। और इसी तरह 3 कप मैदा हमारा इसमें चला जाएगा।
फ्रेंड्स, मैदा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर हमने इसमें पहले ऐड नहीं किया। हम इस पॉइंट पर बेकिंग पाउडर हम अपना इसमें शामिल करेंगे और दोबारा अच्छे से मिक्स करके इसे हम अपने सांचे में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, तमाम इंग्रेडिएंट शामिल कर देने के बाद, अच्छे से मिक्स कर देने के बाद, अब हमारे पास हमारा ये अमेजा उस फॉर्म में आ चुका है जिसे हमें रिक्वायर्ड था। आप देख सकते हैं, अब हम इसे केक पैन में डाल देंगे। केक पैन को मैंने सबसे पहले ऑयल के साथ और फिर उसके बाद मैदे के साथ ग्रीस कर लिया था ताकि केक हमारा नीचे से जलने ना पाए। और अब मैंने इसमें अपना सारा अमेजा शामिल कर दिया है। इस तरह से आप कीजिए और उसके बाद इसे ओवन में रख लीजिएगा। इस केक के लिए इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि ओवन हमें ठंडा चाहिए, हमें उसे पहले से प्री हीट नहीं करना है। अब हम इसे रख लेंगे, एटलीस्ट 40 मिनट्स तक हमारा केक रेडी हो जाएगा। केक हमारा तकरीबन बन चुका है, अब ये ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उस पॉइंट पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, केक हमारा रेडी है। अब मैं आपको इसे काट कर दिखा देती हूँ ताकि आप ठीक से देख सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज केक हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इस पर ऑरेंज जैम लगा दी हुई है। ऑरेंज जैम लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। और फ्रेंड्स, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये, बहुत टेस्टी होता है खाने में। और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस कलर सॉफ्ट है और कितना ज़्यादा फ्लफ़ी टाइप का है। आप सब भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।